अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेह जंग एंड आई एम हेयर टू टीच यू 8th क्लास साइंस। दिस इज़ द बुक वी विल गो थ्रू, सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स, देन वी विल गो इनटू द फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर एज शोन हेयर वर्क एंड एनर्जी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है वर्क और एनर्जी। तो आज हमने इस पहले लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स कवर करने हैं उन टॉपिक्स में सबसे पहले वर्क, काम जो हम रोज़मर्रा करते हैं, साइंटिफिकली ये कैसे होता है, इसके लिए कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, इसके लिए कौन से यूनिट्स और स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा हमने वर्क और एनर्जी, काम और काम करने के लिए जो हम तवानाई सर्व करते हैं उसके बारे में, और उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी कि हमारे पास एनर्जी की कितनी अकसाम है वो हमने स्टडी करनी है। तो आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में वर्क एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी जो बेसिक टाइप्स हैं, आगे मजीद इसकी फर्दर टाइप्स भी होती हैं, सब टाइप्स भी, तो हम आज बेसिक टाइप्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है वर्क उसकी तरफ। तो आपको सबसे जो पहला पेज वो ओपन करना है अपनी बुक्स में, ये आपको इस तरह का नज़र आएगा पेज, तो ये आपको ओपन करना होगा। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि वर्क क्या होता है। डियर कैडेट्स, साइंस में किसी भी टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज चूंकि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्क, तो सबसे पहले जो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, हम पढ़ेंगे वर्क को। वर्क की सबसे पहले हमने पढ़नी है डेफिनीशन, उसके बाद उसका फार्मूला और उसके बाद उसका यूनिट। तो किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी चीज़ को साइंस में कम्प्लीटली कवर करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया उसकी डेफिनीशन जो हम तारीफ़ करते हैं कि इसकी क्या तारीफ़ है, ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट उसका फार्मूला हमें ज़रूरत होता है, एंड थर्डली हमें उसका यूनिट चाहिए होता है। तो ये 3 चीज़ें हमें लाजमी ज़रूरत होती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनीशन पढ़ेंगे, फिर फार्मूला पढ़ेंगे, और फिर इसका यूनिट पढ़ेंगे। कैडेट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन और टॉपिक भी पहला वही है और पहला क्वेश्चन भी वही है, और ये क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 3 पे मौजूद है, जिसके अंदर व्हाट इज़ वर्क टेस्ट योरसेल्फ, ये एक ग्राफ बना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये टेस्ट योरसेल्फ में हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है व्हाट इज़ वर्क, और वही हम एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं, वही हमारा पहला टॉपिक भी है। तो इसकी डेफिनीशन मैंने आपको बताया ज़रूरत होती है, हमें फार्मूला ज़रूरत होता है, हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी। सबसे पहले मैंने कहा कि डेफिनीशन, अगर हम वर्क को एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ वर्क, वर्क इज़ डन, वर्क तब होता है व्हेन एवर अ फोर्स इज़ यूज्ड, जब हम फोर्स लगाएं या जब हम फोर्स लगाते हैं टू मेक समथिंग मूव, किसी भी चीज़ को हमने हरकत करानी हो तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स कुव्वत लगाने से जब भी कोई चीज़ मूव कर जाए तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। तो फिर एक दफ़ा देख लेते हैं, वर्क इज़ डन, वर्क उस वक्त होता है व्हेन एवर अ फोर्स, जब कभी भी कोई फोर्स इज़ यूज्ड वो लगती है टू मेक समथिंग मूव, किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए। अब अगर आप बुक में देखें तो हमारे पास ये जो डायग्राम बनी हुई है एक स्विमर की, इस स्विमर की डायग्राम के नीचे यही डेफिनेशन पहली लाइन में लिखी हुई है, वर्क इज़ डन, वर्क उस वक्त होता है व्हेन एवर अ फोर्स इज़ यूज्ड, जब कभी फोर्स लगती है टू मेक समथिंग मूव, किसी भी चीज़ को हरकत कराने के लिए। ये आप ब्रैकेट में कर लें इसको, ये आपका ये होगी डेफिनीशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका फार्मूला, तो वर्क डन कब होता है, जब डिस्टेंस और फोर्स ये दोनों आपस में मिल जाएं तो हमारे पास वर्क मुकम्मल होता है। तो यही इसका फार्मूला है कि वर्क इज़ इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब उसके बाद मैंने आपको बताया जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है वो इसका यूनिट होता है, तो वर्क का यूनिट जॉल्स, जॉल्स होता है, और जे को कैपिटल से नहीं स्मॉल से लिखना है। जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हम कैपिटल में नहीं स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, तो जॉल्स इसका यूनिट है। अब जॉल्स की डेफिनेशन अगर करनी पड़े वर्क के लिहाज से तो वो कैसे होगी, क्योंकि जॉल जो है वो वर्क का यूनिट है, तो वर्क की जगह लिखेंगे 1 जॉल। डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर किस से करते हैं, 1 मीटर से करते हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, 1 जॉल अगर वर्क हो तो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितनी फोर्स से, 1 न्यूटन फोर्स से। तो जॉल इसका यूनिट है, 1 जॉल इज इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 न्यूटन। ये बिल्कुल आपकी बुक के बॉटम पे यूनिट मौजूद है, बोल्ड करके लिखा गया है, ये उसका यूनिट आ गया।
ग्राफ के अंदर लिखी हुई चीज़ ब्रैकेट में, ये उसका फार्मूला और पहली लाइन इसकी डेफिनेशन है। और यही आपका होमवर्क भी है कि आपने सबसे पहले ये सवाल लिखना है व्हाट इज़ वर्क, उसके बाद आपने इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन हेडिंग देनी है व्हाट इज़ वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क इज़ डन व्हेन एवर अ फोर्स इज़ यूज टू मेक समथिंग मूव। वर्क उस वक्त होता है जब भी कोई फोर्स लगे और चीज़ को मूव करा दे। उसके बाद उसका फार्मूला आपने इसी तरीके से लिखना है और फिर उसके बाद आपने इसका यूनिट लिख देना है। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था जो कि कवर हो गया। अब हम मूव करेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। डियर कैंडिडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमने वर्क की पहले डेफिनेशन की, फिर उसका फार्मूला लिखा, उसके बाद उसके यूनिट को हमने डिफाइन किया, सेम इसी तरीके से अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी। और एनर्जी में हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है। देखें, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की काबिलियत। जब आपके पास काम करने की काबिलियत हो, कि आपके पास फोर्स भी हो और फोर्स लगने से डिस्टेंस भी मूव हो रहा हो, तो ऐसी चीज़ को एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की काबिलियत, अहलियत को आप एनर्जी कहते हैं। या इसकी और सेकंड डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है, बिल्कुल पहली स्टार्ट की लाइंस लिखी हुई हैं, व्हेन वर्क इज़ डन, जब वर्क होता है, वेदर बाय मशीन आर पर्सन, चाहे कोई मशीन कर रही हो चाहे कोई इंसान कर रहा हो, एनर्जी इज़ यूज, तो एनर्जी इस्तेमाल होती है। व्हेन वर्क इज़ डन, जब वर्क हो रहा हो, वेदर बाय मशीन आर पर्सन, चाहे कोई मशीन कर रही हो या कोई इंसान कर रहा हो, एनर्जी इज़ यूज, एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसे वर्क के लिहाज से डिफाइन किया जाता है। तो इसका यूनिट हम पढ़ लेते हैं। यूनिट इसका क्या है? टू डू वन जॉल ऑफ वर्क। वन जॉल, वर्क करते हुए आप जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो भी वन जॉल होती है। तो इसका यूनिट भी एग्जैक्टली सेम वर्क की तरह है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू देखें तो वन जॉल एनर्जी, क्योंकि बहुत थोड़ी एनर्जी होती है, जबकि आम तौर पे जो मशीन या इंसान लगा रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जब एनर्जी की मकदार ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो मेगा जॉल्स, एम जे, या फिर किलो जाउल। तो इसको फिर इसको एक्सप्लेन किया जाता है बड़े यूनिट्स के अंदर, मेगा जाउल और किलो जाउल के अंदर। 10^6 मेगा जाउल, 10^6 का मतलब कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे तो आपके पास बनेगा मेगा जाउल, और 1, 1, 2, 3 होंगे तो बनेगा किलो जाउल। तो ये आपके पास हो गया एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? काम करने की काबिलियत को एनर्जी कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। जब आपके पास वर्क करने की काबिलियत हो तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी मौजूद है। यूनिट इसका वन जॉल, वर्क करने के लिए हमें वन जॉल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो था वर्क, दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा वो एनर्जी और वर्क का आपस में रिलेशन क्या है। उसके बाद हम अब मूव करते हैं इसकी जो तीसरा हमारा आज का टॉपिक था, वो था हमारे पास टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कितनी अकसाम है? वैसे तो बहुत सारी अकसाम है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन जो बेसिक हम दो टाइप्स पढ़ते हैं उसके आगे फिर सब टाइप्स हैं, लेकिन जो पहले बेसिक दो टाइप्स हैं वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर आप देखें बुक पे, तो बुक पे एनर्जी और वर्क में बिल्कुल बॉटम पे आपके पास दोनों जो एनर्जीज हैं इनको कवर किया गया। सबसे पहले आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो एनर्जी की टाइप है। इन दोनों को हमने जो है वो आगे फिर फर्दर डिवाइड करना है। फर्दर डिवाइड करेंगे हम इंशाल्लाह, मजीद इसको स्टडी करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो उस वक्त के लिए आपके पास जो होमवर्क है, उस होमवर्क में आपके पास जो है वो पहला सवाल है व्हाट इज वर्क। या आज आपको मैंने पढ़ाया व्हाट इज वर्क में आपने इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है बिल्कुल आपके सामने मौजूद है, ये आप लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद उसका यूनिट लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो मौजूद है वो ये है कि व्हाट यूनिट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वर्क। वर्क को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? तो आज आपको मैंने बताया कि वर्क को मेजर करने के लिए हम जॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर जॉल क्या होता है? जॉल को मजीद हमने डिफाइन किया, तो आप उसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल जो है ये आपका होमवर्क है, वो ये है इफ द शॉपिंग ट्रॉली शोन ऑन दिस पेज। ये जो पेज पे शॉपिंग ट्रॉली दिखाई गई है आपको, वाज पुश्ड, उसे धकेला जाए, फॉर 15 meters 15 meters के लिए, हाउ मच वर्क वुड द बॉय डू। तो ये लड़का कितना वर्क करेगा? अब आप डायग्राम देखें,
तो डायग्राम में हमारे पास वो कहता है कि शॉपिंग ट्रॉली, हम ये शॉपिंग ट्रॉली तो 10 न्यूटन फोर्स से मूव हो रही है और डिस्टेंस 5 मीटर कर रही है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 550 जॉल्स बन जाता है। लेकिन इस सवाल में अगर हम देखें, उसने हमें क्या बताया, इफ द शॉपिंग ट्रॉली शोन ऑन दिस पेज वॉज पुश्ड फॉर 15 मीटर, अगर 15 मीटर के लिए पुश किया जाए इसको, तो फोर्स उसने दी ही नहीं हमें। जब उसने हमें फोर्स नहीं दी, तो फिर हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें जो डाटा दिया गया इस क्वेश्चन में, वो दिया गया डिस्टेंस 15 मीटर, फोर्स 0, क्योंकि नहीं दी गई। तो वो कहता है वर्क कितना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो वर्क, डिस्टेंस है 15 मीटर, फोर्स है 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 जाउल्स। वर्क नहीं होगा जब तक फोर्स ना लगे, तो हमारे पास डिस्टेंस कवर नहीं होता। तो अगर कोई वैसे कह दे कि 15 मीटर डिस्टेंस और फोर्स 0 हो, तो हमारे पास वर्क नहीं होता। तो चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में हमें फोर्स नहीं दी गई थी, दोनों में से एक चीज भी मिसिंग होगी। अगर डिस्टेंस नहीं होगा, अकेली फोर्स होगी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बोर्ड को धकेलता हूँ, जोर लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, 10 न्यूटन, 20, 30, 40, जितनी न्यूटन भी फोर्स लगा लूँ, लेकिन ये बोर्ड डिस्टेंस कवर ना करे, तो वर्क नहीं होगा। इसी तरीके से इस केस में भी डिस्टेंस तो 15 मीटर है, फोर्स नहीं दी गई, फोर्स का मतलब फोर्स 0 है, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 जाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क नहीं होता। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे टेस्ट योर सेल्फ में। ये तीनों क्वेश्चन आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं और ये याद करने हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेज आएंगे, आपके आगे जो टेस्ट आएंगे तो वो इन्हीं क्वेश्चन से होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपने मुकम्मल करने हैं। हमने पेज 2 और पेज 3 पढ़ा, पेज 3 के ऊपर टेस्ट योर सेल्फ में ये तीनों क्वेश्चन मौजूद हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए, इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उसमें मज़ीद टॉपिक्स कवर करेंगे। तो तब तक आपने ये लेक्चर थारोली स्टडी करना है, और इसमें जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई वो आप पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।